अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छी तरह से, आपको बे की पहचान हो गई है और बे की आवाज़ क्या है। बच्चों आज हम नुक्तों को मिलाना सीखेंगे और पेंसिल फेरना। अब बे की आवाज़ बताइए सब बच्चे। ब, बे की आवाज़ ब। बे से बारिश। जी, बादल क्या बरसाते हैं? बारिश। बादल गरजते हैं ज़ोर ज़ोर से और क्या बरसाते हैं? बारिश। अब बच्चे मज़े मज़े से नहाते हैं। बे से बाजा। बच्चे तो खूब शौक से बजाते हैं। बे से बाजा। बे से बैंगन। बे से बैंगन। और यहाँ देखिए कौन कौन बैठा हुआ है भाई, बच्चों के इंतज़ार में। ये देखिए बे से बिल्ली। और ये बच्चों को पसंदीदा, बच्चे बहुत खुश होते हैं। बे से बंदर। बे से बत्तख। देखिए कैसे बे के साथ साथ बैठी है भाई। और ये देखिए बे से बाजा। बे से बच्चा। ये देखिए भाई। और ये रही भाई बोतल। बे से बोतल। और बे से बस्ता। सब बच्चों का बस्ता, स्कूल जब आते हैं बच्चे तो बस्ता ज़रूर साथ लेकर आते हैं, अपनी उसमें किताबें रखकर लाते हैं, बोतल और बस्ता। बे से बोतल। बे से बस्ता। अब बच्चों हम लोगों ने अच्छी तरह से बे की चीज़ों की पहचान भी कर ली है। अब हम नमक की ट्रे पर थोड़ी सी इसकी मश्क दोहराते हैं। और ये मश्क बच्चों आप मुझे अपनी वीडियो भी, स्मॉल सी वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। ये देखिए हल्का सा आप ऊपर से नीचे लाइए, हल्का सा लाइए बे। ये देखिए बे की शक्ल बनती जा रही है और आपने फिर इसको ऊपर लेकर जाना है। और कितना नुक्ता लगाना है? एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता। जहाँ भी एक नुक्ता आता है हम फौरन समझ जाते हैं कि ये बे लिखी है। अब बच्चों हम उर्दू के, आपकी जो बुनियाद है उर्दू का कायदा है, इसमें हम हर्फ बे की बुलंद खानी दोहराएंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं और अब हम दोबारा भी इसको दोहराने की मश्क करेंगे। ये देखिए बे। पहले हम हर बे पर उंगली फेरेंगे। बे के नीचे एक नुक्ता। बे से बिल्ली। फिर हम हर बे पर उंगली फेरेंगे। बे। बे से बकरी। फिर हम हर बे पे लेके जाएंगे। बे। बे से बत्तख। ये देखिए बत्तख यहाँ भी बैठी हुई देख रही है कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। और बिल्ली भी। बे। बे के नीचे एक नुक्ता। बे से बाल्टी। ये देखिए बे से बाल्टी बच्चों की। ये देखिए बच्चों, ये सफ़ा हमने पढ़ा, सफ़ा नंबर 3 की हमने बुलंद खानी करी। अब बच्चों अब हम आपकी उर्दू के कदम किताब है, इस पर हम नुक्ते फेरने की मश्क दोहराएंगे सफ़ा नंबर 13 पर। ये देखिए सफ़ा नंबर 13 पर पहले आज की तारीख डाली जाएगी, फिर उसके बाद हम नुक्तों को फेरने की मश्क करेंगे। उससे पहले हम तख्ते सफ़ेद पर ये मश्क जो है इसकी दोहराएंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे बे लिखने के लिए? हम नुक्ते से शुरू करेंगे। एक नुक्ते को हम दूसरे से मिलाएंगे हल्के हल्के। देखिए बिल्कुल हल्के 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 हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। ये देखिए और ऊपर ले गए और फिर बे के नीचे एक नुक्ता। यह हमारे नुक्तों को मिलाने का काम मुकम्मल हो गया। और इस तरह हम बे लिखेंगे और फिर हम अपनी उर्दू की किताब जो है कदम, पहला कदम इस पर हमने सफ़ा नंबर 13 पर यह मश्क दोहरानी है। और आप देखिए इसको हम पेंसिल से, देखिए आप नुक्ते से शुरू करेंगे और तीर के ज़रिए देखिए आप नुक्तों को मिलाते जाएंगे। और बे, बे से किसकी तस्वीर है ये बच्चों? बिल्ली। जी यहाँ भी बिल्ली ये देख रही हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा सबने काम करना है। उसके बाद देखिए ये तस्वीर है बे से बाल्टी। अब फिर आपने बे की शक्ल पर आपने पेंसिल फेरनी है। और बे से बत्तख।
और बत्तख भी देख रही हैं ये काम के बच्चे जो हैं वो कैसा कर रहे हैं काम। और बच्चों फिर आपने नीचे जो आपके नुक्तों को पेरने की मशक है वो आपने बे के साथ दोहरानी है। ये देखिए आपने हल्के हल्के से इसको मुकम्मल करना है और इसका ये क्लास में आपने काम अपना मुकम्मल करके टीचर को दिखाना है। और बच्चों आपने नज़म भी याद करनी है, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी, ये नज़म आप लोगों को शेयर की गई है, आप उसको बार बार देखिए और याद कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।